हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी टाइम देखिए 8:30 होने वाला है और जिया का अभी एग्जाम चल रहा था, वो भी ऑनलाइन। तो बस अभी जस्ट मेरे हाथ में फोन लगा है और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब तक भी वो जिया एग्जाम देती है ना, तो मेरे ही फोन से एग्जाम देती है। और जीसू अभी आ गया, तो जीसू बोला कि दे दे रहे हैं हम उसको और आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए। बस अब इसका एंड होने वाला है। पीडीएफ क्या होता है ना, वो बना के जीसू सेंड करेगा, यानी कि जो भी लिखी है उसका फोटो ले लेके वो सेंड करेगा। तो वही बचा है, 8:30 बजे तक सेंड करना पड़ता है और उसके बाद वो लोग नहीं लेते हैं। तो एग्जाम खत्म हो गया है और जिया को ना बहुत तेज भूख लगी है। 6:15 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 6:15 बजे आ जाता है और 8:30 बजे तक का टाइम है। तो दोनों बच्चों के लिए बना दिए हैं दलिया। और इधर भी जो मेरा इतना लेट हो जा रहा है ना, ब्लॉग नहीं जा पा रहा है, मॉर्निंग में मुझे बनाना पड़ता है, तो रीजन यही है। इसलिए मैं आज इतने देर में ब्लॉग स्टार्ट करी। अब फोन मेरे हाथ में नहीं रहता है तो ब्लॉग नहीं बन पाता है। और अब क्या बनाएंगे बताइए, तो यही रीजन है। ये ऑनलाइन वाला जो चल रहा है ना एग्जाम, बहुत ज्यादा एकदम सर दर्द हो जा रहा है। जीसू कहीं जाना नहीं बेटा, अभी जीसू का फ्रेंड आया हुआ है तो अभी उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि फिर भेज दे, सब ओके हो जाए वहां से ना, तब तक एकदम टेंशन बना रहता है। तो बच्चों के लिए बना दिए हैं दलिया। और एग्जाम होने से पहले ना मैं बोलती हूँ कि कुछ खा पी लो, नाश्ता कर लो, लेकिन वो लड़की नहीं खाती है, बोलती है नहीं एग्जाम देने के बाद ही खाएंगे। और लगातार वो 6:15 बजे से फोन लेके बैठी हुई है। और इतना छोटा छोटा जो आता है ना एग्जाम पेपर, इतना छोटा छोटा आता है कि मुझे तो दिखता ही नहीं है और समझ में भी नहीं आता। वो बच्चे एकदम घुस घुस के वो देखती है, तो बहुत टेंशन है कि लगातार वो 2 घंटा कैसे बच्चे फोन। आई इसका हालत आज बेटा इसका हालत देख लीजिए, तो आपको कैसा फील हो रहा है ऑनलाइन एग्जाम देके? जोर से बोलो, नीलू नहीं सुन रहे, बोलो बोलो बहुत अच्छा फील हो रहा है। एकदम फोन में लगी हुई है और बार बार हमसे पूछ रही है, मम्मी इसका आंसर बता दीजिए हमको, इसका आंसर बता दीजिए। और हमको वो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है, तो हम बताएंगे क्या? और वैसे भी इन लोग का हमको समझ में नहीं आता है। तो जीसू है जो थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, बाकी तो ये खुद ही अपना हेल्प कर रही है। हैं, भूख लगाए? चलो बना दिए, भैया भेज दे तो उसके बाद फिर नाश्ता देते हैं। तो 8:30 बजे ये लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। और खाने में भी आज एकदम हल्का फुल्का बनाएंगे, ज्यादा हैवी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग की शिफ्ट है ना, तो सुबह लंच बनाना है। और आज ज्यादा हैवी नहीं खाते हैं ये, क्योंकि अभी रात में सोते सोते ही देर हो जाता है, फिर मॉर्निंग में तुरंत उठ के जाना पड़ता है ना, तो इसीलिए वो लाइट ही खाते हैं। तो आज एकदम हल्का काम चलाओ वाला, जो झटपट वाला जो सब्जी है ना वही बनाएंगे और रोटी। काम चलाओ यानी कि जिससे सब लोग खा भी ले और टेंशन भी ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, नहीं तो ये बगल में बैठी है ना, मेरा बस गलती ढूंढती रहेगी है? और हाँ, और एक चीज और जिसके बारे में मुझे कई दिनों से बात करना था, अभी जिया को देखे तो याद आ गया। जिया का बर्थडे आने वाला है, तो मैं आप लोगों से 1-2 हफ्ता पहले बताई थी शायद, ऐसा कुछ है। तो मैं जब से बताई हूँ ना, तब से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आ रहा है, मेल भी आ रहा है कि आप लोग जिया को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं लेकिन ना मैं सबको यही रिप्लाई कर रही हूँ कि अच्छा नहीं लगेगा कि आप मुझे जिया को यानी कि गिफ्ट देंगे। हाँ ये है कि आप लोग जिया को बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटी की तरह ही इसको मानते हैं, तो आप अच्छे के लिए कह रहे हैं कि आप अपनी खुशी से कुछ जिया को देना चाहते हैं, लेकिन ये हम लोग के लिए आसान नहीं है। एकदम सही दिल से बताएं तो अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों से हम गिफ्ट लें। और हाँ, कुछ हैं जिन्होंने बोला कि वो ग्रीटिंग देना चाहती हैं, तो मैंने उनको अपना एड्रेस दिया है कि आप जिया को, देखिए अभी क्या है ना, इसे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों की दुआएं ही इसके लिए बहुत ही ज्यादा हो जाती, बहुत। बस अल्लाह ताला यही करे आप लोग हमेशा इसको ऐसे ही प्यार करते रहें
और एक माँ के लिए ना ये सबसे बड़ी बात है कि कोई उसके बच्चे को इतना प्यार करता है। कोई क्या, आप लोग सब लोग बहुत प्यार देते हैं जिया को, मेरे लिए ना यही बहुत बड़ी बात है। तो बस अपनी दुआओं में इसे शामिल रखिएगा और मेरे बच्चे को हमेशा दुआ देते रहिए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। गिफ्ट तो हर कोई वो कर लेगा, ले लेगा, खरीद लेगा, पैसे का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों की दुआओं का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप ग्रीटिंग भेजना चाहते हैं तो जरूर भेज सकते हैं, इसके लिए हम ये चीज के लिए कभी नहीं मना करेंगे। बेटी आपकी भी है तो इस चीज के लिए कभी नहीं मना करेंगे, लेकिन हाँ गिफ्ट के लिए मैं नहीं, दिल से मैं बता रही हूँ मैं नहीं हाँ कर पाऊंगी कि गिफ्ट आप लोग भेजे, क्योंकि आप लोग हम लोगों के माई बाप है। ये सही बात है, आप लोग की वजह से ही हम लोग टिकते हैं, और अब इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं ले सकते हैं। आप लोग का प्यार ही, सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, इसे बुरा मत लगाइएगा। मैं गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ, और बस आप लोग इसे प्यार देते रहिए और दुआओं में शामिल रखिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बच्चों को भूख लगी है, और देखें कि जीसू भेज रहा है ना, वो अपने फोन से भेजता है क्योंकि जो भी आता है ना तो उसी के फोन पे आता है, और सर का नंबर भी, क्योंकि वो भी उसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, उसको भी एग्जाम जो देता है ना तो वो भी वहीं पे भेजता है, तो वो पीडीएफ वही बना रहा है। तो चलिए मैं देख लेती हूँ और उसके बाद बच्चों को नाश्ता दे दे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए निकाल दिए हैं दलिया, और ये जो आप लोग बाउल देख रहे हैं ना, ये जब उस दिन शॉपिंग करने के लिए गए थे तो दोनों बच्चों के लिए लेकर आए थे, लेकिन शायद मैं दिखाना ही भूल गई थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए, बड़ा बाउल नहीं था ना तो बच्चों को कुछ देने में प्रॉब्लम हो रही थी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए खाना। तो यहाँ पे तेल गरम हुआ, मस्टर्ड ऑयल डाले हैं, और उसके बाद इसमें जीरे का छौंका लगा के और महीन प्याज डाल दिए हैं कट करके, और हरी मिर्च, और यहाँ पे लहसुन को कूट के डालेंगे। जब से कोरोना चल रहा है ना तब से अब तो आदत हो गई है हर सब्जी में लहसुन डालने की, तो यहाँ पे लहसुन डाल दिए हैं। और उसके बाद ना आलू और परवल को धो के इसमें डाल दिए हैं, फिर अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे, और फिर इसमें डाल देंगे बेसिक मसाला जो नमक हल्दी और लाल मिर्च, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च डाले हैं, अगर आपको डालना है तो लाल मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनती है ये सब्जी और दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आलू और परवल अच्छे से भुन गया है और आलू गल भी गया है, तो इसमें डाल दे रहे हैं सब्जी मसाला, और ज़्यादा नहीं डालें, हल्का हल्का डालें, और थोड़ा सा इसमें डाल दिए हैं गरम मसाला, और कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। और उसके बाद ना इसमें डाल दे रहे हैं टमाटर, तो बहुत बड़ा टमाटर नहीं डालें, आधा ही टमाटर डालें, ज़्यादा नहीं डालें। और अब इसको भून के थोड़ा देर के लिए और गलने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद इसे ढक के 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे, और बाद में इसमें डालेंगे मैजिक मसाला, वो मैगी वाला जो होता है ना, इसका टेस्ट पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, वो लास्ट में जब सब्जी में डालिए ना तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सब्जी बन गई है, और अब मैं बना रही हूँ पराठा, और जब भी ये वाली सब्जी बनती है ना तो सबको पराठा चाहिए होता है, उसके साथ अच्छा लगता है, या तो पूड़ी बना दीजिए ना तो पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो खाना बन गया है, रोटी भी बन गया है, सब कुछ बन गया, और पीछे आप लोग ब्लैंकेट देख रहे होंगे, तो आज ब्लैंकेट निकाले थे और ब्लैंकेट धूप में रखे थे क्योंकि उसकी जो स्मेल है ना वो निकल जाए, और इन लोगों को ठंडी लगता है और मुझे भी ठंडी लगता है, इसीलिए ब्लैंकेट निकाले हैं, क्योंकि कूलर चलता रहता है, ठंडी लगता है लेकिन कूलर बंद नहीं होता है, और मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लगता है और जीसू को भी। और ये देखिए दोनों लोग बाहर है, ये जिया रेशम दिख भी रहे, नीचे अंधेरा है ना, तो लाइट जिया चली गई है इसलिए, जिया पूरा लाइट, कारण बताइए। पूरा कारण ये है क्योंकि हम आपको 2-3 दिन पहले ही बताए थे कि उधर की लाइट नहीं जल रही है, लेकिन कारण जीसू बता रहा है, स्ट्रीट लाइट, हाँ बता दिए थे हम, बोलिए अच्छे से पहले, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है इसीलिए जिया लाइट लेके गई है। ओके
और इसके पापा आ गए, इसके पापा आ गए। कहाँ है इसके पापा? आज पापा फेरन लवली नहीं लगाए, दिखाई नहीं दे रहे। ओ देखिए बाप बेटी का, ओ देखिए। अरे रे, ये बिचारी कितना अपने पापा का ख्याल रखती है। लाइट बंद कर दे। हैं? आपका नोज मास्क कहाँ है? नोज मास्क कहाँ आपका? और पॉकेट में रखने के लिए? मजाक मत समझिए। नोज मास्क लगाइए, घर में भी लगा के रहिए। अभी खाना खाएंगे लगा। अच्छा हाँ, नोज मास्क लगा के खाना खाएंगे। जिसु वो बोलो ना, वो इंग्लिश में वर्ड बोलो ना। अरे कहाँ गया पंखा? हम थोड़ी बोलते हैं। नहीं प्लीज तुम बोलो ना। मम्मी मम्मी तुम मत बोलो बाबू। हाँ भैया जी यही बोलती है, हमको थोड़ी आता है। बोलो जिया बोलती है। क्या क्या जिया क्या बोलती है? अवेलेबल इस तरह करके, लेकिन असली वर्ड है अवेलेबल। तो क्या हो गया, सही बोलती है ना? नहीं हम तुम्हारी तरफ नहीं लाए बाबू, लेकिन तुम्हारे मुंह से ज्यादा अच्छा लगता है ये बात। बोलती नहीं है, बोलती नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बोलती है। क्या बोलती है बाबू? मेरा बच्चा बहुत अच्छा बोलती है। तो चलिए फिर हम लोग चले खाना खा लेते हैं, और उसके बाद मॉर्निंग में मिलेंगे।